Hi everyone, this is Niharika. Today we are going to start with chapter number 1, Rocks and Minerals of class 5th Science. आज हम class 5th का Rocks and Minerals chapter discuss करने वाले हैं. Actually, मुझे इस chapter के लिए comment आया था मेरे subscriber का, जो चाहते थे कि मैं इस chapter पर video बनाऊं. That is why I have chosen today to make video on this particular chapter. एंड अगर आपके पास भी कोई चैप्टर है जो आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं और आपको समझाऊं इस तरीके से, सो आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे उसके लिए कमेंट कर सकते हैं. अपने चैप्टर का नाम, उसका सब्जेक्ट, क्लास आप मुझे लिख के कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आप मेरे को DM कर सकते हैं कि आप कौन सा चैप्टर है, और आप मुझे उसकी फ़ोटो क्लिक करके भेज सकते हैं. मैं अपनी ईमेल आईडी भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. इंस्टाग्राम हैंडल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप दोनों जगह पे मुझे अपने चैप्टर की फ़ोटो क्लिक करके भी भेज सकते हैं, मैं उससे भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने चैप्टर आपको पूरा स्क्रीन पर विजिबल कराया हुआ है, राइट? सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टॉपिक है, व्हाट आर रॉक्स मेड ऑफ. रॉक्स किन चीज़ों से बने होते हैं. यहाँ मैं आपको सब जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं मार्क करती जाऊँगी. आपको करना है, अगर आपके पास सेम बुक है तो आप उसको मार्क करते जाइए. अगर सेम बुक नहीं है, डोंट वरी, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट डाउन द मेन टॉपिक्स और मेन पॉइंट्स इन योर नोटबुक, सो दैट वो आपके आगे काम आए. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. रॉक्स आर मेड ऑफ मिनरल्स. रॉक्स किसके बने होते हैं? मिनरल्स के बने होते हैं. अ मिनरल इज अ नेचुरल नॉन लिविंग सब्सटेंस. और मिनरल क्या होता है? ये नॉन लिविंग सब्सटेंस होते हैं, मतलब ये लिविंग थिंग नहीं होते हैं, नॉन लिविंग थिंग होते हैं. और रॉक्स किसके बने होते हैं? रॉक्स मिनरल के बने होते हैं. अ रॉक में कंटेन वन और मोर मिनरल. एक रॉक में एक या एक से ज़्यादा मिनरल होते हैं. अ टाइप ऑफ रॉक डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी. किस टाइप की रॉक है वो उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है. द क्वान्टिटी, क्या किस क्वान्टिटी में कितने ज़्यादा उसमें मिनरल्स है उस पर डिपेंड करता है. एंड द अरेंजमेंट ऑफ मिनरल्स इन इट. अब कौन सा मिनरल किस मिनरल के साथ अरेंज करके वो रॉक बना है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का रॉक है. आगे पढ़ते हैं. नाउ वी हैव काइंड्स ऑफ रॉक्स. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है काइंड ऑफ रॉक्स. रॉक्स किस टाइप के होते हैं? डिपेंडिंग ऑन देयर फॉर्मेशन रॉक्स आर क्लासिफाइड इंटू 3 ग्रुप्स. उनके बनावट से, मतलब जिस तरीके से रॉक्स बने होते हैं उस हिसाब से दे हैव डिवाइडेड डैम इंटू 3 ग्रुप्स. इनको 3 ग्रुप्स में बांटा हुआ है. द फर्स्ट वन इज इग्नियस, नेक्स्ट सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक. दीज आर 3 टाइप ऑफ रॉक्स विच वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर. ओके, सो द फर्स्ट रॉक वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इज इग्नियस रॉक. इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं? इग्नियस रॉक्स फॉर्म द बेस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लैंड. इग्नियस रॉक क्या होता है? जब आप देखते हो कोई लैंड पर, ज़मीन देखते हो ना, जो लैंड, जो ज़मीन होती है उसका जो बेस होता है, मतलब जो लैंड होती है ना, वो कौन सी रॉक से बनती है? वो इग्नियस रॉक से बनता है ना. जैसे आप देखते हो प्लेन्स हैं, प्लेन मतलब जैसे आपका, आप जिस भी शहर में रहते होगे, है ना, फॉर एग्जांपल दिल्ली है, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश है, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश है. इधर क्या है? जो लैंड है एकदम प्लेन है, राइट? माउंटेन्स हैं. जैसे हमारे नॉर्थ में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर माउंटेन्स है ना, ओशियन बेड्स है ना, जो ओशियंस हैं. तो इनके जो बेड्स, मतलब तो इनकी जो नीचे की लेयर है, दैट इज़ फ्रॉम द रॉक. एंड विच रॉक? दैट इज इग्नियस रॉक. इग्नियस रॉक से इन प्लेन माउंटेन्स और ओशियन की जो नीचे की ज़मीन है वो इन रॉक से बनी है, इग्नियस रॉक से बनी है. आपने वो पढ़ा होगा कि मिट्टी जो है, पहले जो पहले रॉक्स होते थे, फिर बारिश होती थी, सूरज की धूप पड़ती थी, फिर हवा चलती थी, इन सब पूरे प्रोसेस से बार बार होने से क्या हुआ? सॉइल बना है ना. एंड आपने वो एक पूरा लेवल ऑफ सॉइल देखा होगा कि पहले सॉइल है, फिर थोड़े से पत्थर हैं, फिर थोड़े से मोटे मोटे पत्थर हैं, फिर कुछ नीचे एकदम रॉक है. तो दैट इज़ द रॉक विच इज़ नोन एज इग्नियस रॉक. दे आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग एंड हार्डनिंग ऑफ हॉट लिक्विड रॉक मटीरियल. जैसा कि मैंने आपको बताया कि दे आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग, इन्हें ठंडा करने से, एंड हार्डनिंग ऑफ हॉट लिक्विड रॉक. एक रॉक को पिघलाने से, है ना, उसको हार्ड बनाने से रॉक का जो मटीरियल है, इस तरीके से ये बनाई जाती हैं, इग्नियस रॉक. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द हॉट लिक्विड रॉक दैट लाइज इन ह्यूज अंडरग्राउंड पॉकेट्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड मैग्मा. अर्थ के अंदर ना बहुत बड़ा ऐसे एक पार्ट है ना, जिसको मैग्मा बोलते हैं. एंड दैट इज द हॉट लिक्विड रॉक. कि जब जो रॉक होती है वो पिघलती है ना, और पिघलने से जो वहाँ का जो वो जो पूरा बन जाता है हॉट लिक्विड रॉक, उसे कहते हैं मैग्मा. मेक श्योर टू मार्क इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि द हॉट लिक्विड रॉक दैट लाइज इन ह्यूज अंडरग्राउंड, मतलब ज़मीन के नीचे जो अर्थ की जगह है ना,
उसे कहते हैं मैग्मा. ओके एंड द मैग्मा इज, इसको भी मार्क कर लीजिए, मैं आपको भी ऊपर दिखाती हूँ क्योंकि पेज ऊपर है. द मैग्मा इज पुश्ड अपवर्ड बाय द प्रेशर ऑफ अदर रॉक्स अराउंडेड. और जो बाकी रॉक्स मैग्मा के आसपास होती हैं वो क्या करती हैं, इसको पुश करती हैं ऊपर की तरफ. सम ऑफ इट कूल्स एंड हार्डन्स बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ वाइल सम फ्लोज आउट ऑन द अर्थ सर्फेस एंड द हार्डन टू फॉर्म इग्नियस रॉक्स. कुछ तो ठंडी हो जाती हैं, है ना, एंड हार्डन्स बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ. अर्थ के अंदर ही, अर्थ के सर्फेस के नीचे ही क्या होती है, हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती हैं. वाइल बल्कि सम फ्लोज आउट ऑन द अर्थ सर्फेस, कुछ अर्थ के सर्फेस के बाहर निकल आती हैं एंड देन हार्डन टू फॉर्म इग्नियस रॉक, और फिर वो जाके हार्ड हो जाती हैं और तब जाके वो इग्नियस रॉक बनती हैं. द मैग्मा दैट रीचेज द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लावा. और वो हॉट लिक्विड रॉक, मतलब जो हॉट पिघलती हुई रॉक है ना, जो ज़मीन से बाहर निकलती है, दैट इज़ नोन एज लावा. आपने पढ़ा भी होगा वॉल्केनो के बारे में कि वॉल्केनो में से लावा निकलता है. दैट लावा इज़ बेसिकली द मैग्मा विच इज़ द हॉट लिक्विड रॉक विच कम्स आउट ऑफ द अर्थ सर्फेस एंड दैट इज़ नोन एज लावा विच वी ऑल नो, है ना. ओके द टाइप ऑफ इग्नियस रॉक फॉर्म डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ मटीरियल द मैग्मा कंटेन्स. किस टाइप की इग्नियस रॉक बनेगी ये टोटली डिपेंड करता है कि मैग्मा में किस टाइप के मिनरल, किस टाइप का सब्सटेंस इंक्लूड है एंड द साइज ऑफ द मिनरल पार्टिकल्स. और मिनरल के पार्टिकल्स का साइज क्या है, दैट इज टोटली डिपेंड एंड उसके हिसाब से इग्नियस रॉक बनती है. ओके आप देख सकते हो इग्नियस रॉक्स फॉर्म द बेस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लैंड. दिस इज इग्नियस रॉक. ओके आपको पिक्चर में दिख रहा होगा. Now let's come to the next page of this chapter, which is this. These are some of the igneous rocks. आपको दिख रहा होगा, right? ये कुछ igneous rocks हैं, जिसमें granite है, pumice है, basalt है, obsidian है ना? तो ये कुछ आपके igneous rocks हैं. आगे हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं granite के बारे में. Okay? Granite is the most common igneous rock. सबसे common जो rock है, वो है granite. आपने इसका नाम भी काफी बार सुना होगा अपने घर में. जब घर बनता है तो इसका बहुत यूज़ होता है. इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल्स स्लोली अंडर द ग्राउंड. जब ज़मीन के नीचे मैग्मा ठंडा हो जाता है तब ग्रेनाइट बनाया जाता है. इसको आप मार्क कीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन क्वेश्चन आंसर्स इट मे कैन कम. द थ्री मेन मिनरल्स इन ग्रेनाइट आर, और ग्रेनाइट को बनाने के लिए कौन से तीन मिनरल्स यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ क्वार्ट्स, ओके, फेल्डस्पार एंड माइका. सो ये तीन जो है, ये तीन मिनरल के पार्टिकल्स जो हैं ये यूज़ किए जाते हैं एंड देन ये जो ग्रेनाइट है, ये जो रॉक है, ये बनती है. द कलर ऑफ ग्रेनाइट, ग्रेनाइट का कलर कैसा होता है, ग्रे और पिंक, डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेंट ऑफ इट्स फेल्डस्पार. तो इसका मिनरल का जो मिनरल है ना, जो कि फेल्डस्पार है, उस पर डिपेंड करता है कि ये ग्रेनाइट जो है वो किस कलर का होने वाला है, ग्रे कलर का होने वाला है या पिंक कलर का होने वाला है. ओके दिस हार्ड स्टोन इज़ यूज फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स. सबको मैंने बताया कि आपके घर में जब कोई कंस्ट्रक्शन होता है, कोई चीज़ बनती है ना, तब जनरली क्या होता है कि इसका यूज़ होता है ग्रेनाइट का. और ये बहुत ही हार्ड स्टोन होता है जो कि बिल्डिंग बनाने के लिए, स्टैचूज बनाने के लिए, स्ट्रीट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. सम ब्यूटीफुल टेम्पल इन तमिलनाडु आर मेड ऑफ ग्रेनाइट्स. तमिलनाडु के कुछ ब्यूटीफुल टेम्पल्स भी ग्रेनाइट से बनाए जाते हैं. आई होप आप सबको ग्रेनाइट समझ में आया हो. और अगर नहीं भी आया है, सो वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन राइट डाउन योर क्वेरी, योर इशू इन द कॉमेंट सेक्शन. आई डेफिनेटली रीड इट और मैं आपको उसका जवाब कॉमेंट सेक्शन में ही दे दूंगी. आपको लिखना है कि आपको क्या समझ में नहीं आया, आई विल एक्सप्लेन यू देयर ओनली. प्यूमिस इज अनदर लाइट कलर इग्नीशियस रॉक. ये लाइट कलर का होता है, इसका कलर इतना डार्क नहीं होता, ये हल्के कलर का होता है प्यूमिस, ठीक है. और ये भी एक इग्नीशियस रॉक ही है. इट हैज़ मेनी होल्स एंड पॉकेट्स विच आर फॉर्म्ड बाय द गैसेस ट्रैप्ड इनसाइड द फॉर एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन. इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, बहुत सारे पॉकेट्स होती हैं, ठीक है, जो कि बनती हैं गैसेस की वजह से, जो कि इसमें ट्रैप हो जाती हैं, फंस जाती हैं जब ये बन रहा होता है उस टाइम पे, इसलिए इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं. दिस लाइट लावा, जो ये हल्का सा जो लावा है रॉक, इज लाइट ग्रे और क्रीम कलर्ड. इसका कलर कैसा होता है, या तो ये लाइट ग्रे कलर का होता है ना, हमने ऊपर ही पढ़ा कि ये लाइट कलर का होता है, लाइट ग्रे होता है, या फिर क्रीम कलर का ये होता है. डेंटिस्ट यूज पाउडर प्यूमिस फॉर पॉलिशिंग आर टीथ. डेंटिस्ट होते हैं ना जो हमारे टीथ की केयर करते हैं, जो हमारे टीथ में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं. डेंटिस्ट जो होते हैं वो प्यूमिस का यूज़ करते हैं ताकि वो हमारे दांत को पॉलिश कर सकें. ओके सो दिस इज़ व्हाट अबाउट प्यूमिस. नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ऑब्सीडियन. ऑब्सीडियन भी एक तरह का लावा रॉक है. ओके एंड इट लुक्स ऑलमोस्ट लाइक ब्लैक ग्लास. ब्लैक ग्लास की तरह ये दिखता है.
बिकॉज ऑफ इट्स शार्प एजेस. इसके शार्प एजेस की वजह से इट इज़ यूज टू मेक कटिंग टूल्स. जब हमें किसी टूल को काटना होता है तब हम ऑब्सीडियन का यूज़ करते हैं, ठीक है. एंड नेक्स्ट इज बेसाल्ट. बेसाल्ट क्या होता है, इज़ फॉर्म्ड व्हेन द लावा कूल्स क्विकली. ये तब बनता है जब लावा बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है एंड हार्डन्स अबव द ग्राउंड, और वो ग्राउंड के ऊपर ही हार्ड हो जाता है ना, तब जो है बेसाल्ट बनता है. लेट्स मी रीड द मेन टॉपिक ओवर हियर. इट इज़ अ फाइन ग्रेन रॉक मेड अप ऑफ टाइनी क्रिस्टल्स. और ये फाइन ग्रेन रॉक होता है बेसाल्ट, जो कि टाइनी क्रिस्टल से बना होता है. नेक्स्ट रॉक वी हैव टू रीड इज सेडिमेंट्री रॉक. हमने इग्नीशियस रॉक पढ़ लिया. इग्नीशियस रॉक के हमने टाइप्स ही पढ़ लिए, विच इज़ ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ऑब्सीडियन, प्यूमिस. इनके क्या क्या यूज़ हैं, इनका कौन कौन से कलर के होते हैं, दैट वी ऑल रेड अबाउट. नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक विच इज सेडिमेंट्री रॉक्स. लेट रीड इट एंड लेट्स मार्क इट एंड मेक श्योर टू मार्क इट, बिकॉज वेन यू मार्क इट यू मेक श्योर टू रिमेंबर इट इन योर माइंड. और जबकि दिमाग में वो बैठ जाती है बातें, तो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती. तो एट द मोमेंट यू सी द क्वेश्चन, आपको उसी वक्त उसका आंसर आपके टिप्स पर होता है. ओके, सेडिमेंट्री रॉक्स. अ मेजर पोर्शन ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस इज कवर्ड विद सेडिमेंट्री रॉक्स. अर्थ का जो लैंड का सरफेस है, जमीन का जमीन है ना, उसका मतलब काफ़ी सारा जो पोर्शन है ना, मेजर मीन्स बहुत सारा, मतलब 50% से भी ज़्यादा जो पोर्शन है, दैट इज़ कवर्ड विद सेडिमेंट्री रॉक्स. दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम पेबल्स. ये पेबल से, सैंड से, मड से, क्ले से, इन सब से ये जो है रॉक बने हैं, दैट आर डिपॉजिटेड इन सीज एंड ओशियंस. जो समुद्र में और ओशियंस में है ना, इन सब में जो रॉक्स होती हैं नीचे, है ना, जो ये पेबल्स होते हैं, सैंड होते हैं, मड होते हैं ना, इन सब से, इन सबको कलेक्ट करके जो है सेडिमेंट्री रॉक बनाई जाती है. दीज आर ब्रॉट टू द शोर बाय फ्लोइंग वाटर. जब पानी बहता है तो ये रॉक भी साथ में बहती हुई आती है. और फ्लोटिंग आइस आर पाइल्ड अप इन लेयर कॉल्ड सेडिमेंट्स. जो है बहती हुई आइस, जो बहती हुई बर्फ भी साथ मिक्स हो जाती है, और जिसको सेडिमेंट्स बोलते हैं. द लेयर्स आर कॉल्ड सीमेंटेड टुगेदर बाय मिनरल्स. और इनकी जो लेयर्स है वो कैसे, किससे जॉइन रहती है, वो मिनरल्स की वजह से जो है मिल जाती है, जॉइन हो जाती है. देयर आर मैनी काइंड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स. बहुत सारी टाइप की सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं. सर्टेन काइंड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम द शेल्स ऑफ टाइनी सी क्रिएचर्स. आपने देखा होगा ना, समुद्र में शेल्स होते हैं, उनसे जो है काफ़ी सारी सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं. नाउ लेट मी रीड अबाउट सम ऑफ द टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक एंड आई कैन सी दैट देयर आर सो मैनी. नाउ वी आर रीडिंग अबाउट सैंड स्टोन. वट इज सैंड स्टोन? सैंड स्टोन इज अ कॉमन सेडिमेंट्री रॉक. सैंड स्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है. इट इज़ मेड फ्रॉम पार्टिकल्स ऑफ सैंड. ये रेत के पार्टिकल से बनाई जाती है. दैट गेट सीमेंटेड टुगेदर और फिर ये इकट्ठे हो जाती है. इट इज़ मोस्टली कंटेन. इसमें क्या क्या होता है, इसमें क्वार्ट्ज ग्रेन्स होते हैं जो कि एक मिनरल है. सैंडस्टोन में भी येलो. अब सैंडस्टोन का कलर क्या है, वो येलो भी हो सकता है, ब्राउन, रेड और पिंक. द रेड फोर्ट इन दिल्ली इज़ मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन. ठीक है. और जो दिल्ली में जो रेड फोर्ट है, लाल किला है ना, दैट इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम द रेड सैंडस्टोन. ठीक है, जो कि क्या है, सेडिमेंट्री रॉक से वो बना हुआ है. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द नेक्स्ट सेडिमेंट्री रॉक विच इज़ कॉन्ग्लोमेरेट. कॉन्ग्लोमेरेट इज अ रॉक ऑफ अनइवन टेक्सचर. ओके, कि कॉन्ग्लोमेरेट जो है उसमें अनइवन टेक्सचर होता है, मतलब बराबर ऐसे लैंड नहीं होती है, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरीके की वहाँ पर लैंड होती है. ठीक है. इट इज़ फॉर्म फ्रॉम पेबल्स एंड ग्रेवल. ये पेबल से, ग्रेवल से जो है बनती है, और मिनरल्स इनको इकट्ठा करते हैं एंड सैंड एंड कैरिड बाय वाटर. सैंड, वाटर, इन सबको मिला के जो है ये वाली रॉक बनाई जाती है. ओके, आई होप कि आप सब इसको साथ साथ मार्क कर रहे होंगे. आगे पढ़ते हैं. नेक्स्ट इज कॉन्ग्लोमेरेट. आप देख सकते हो, ये पिक्चर आपको दिख रही होगी. सेडिमेंट्री रॉक फ्रॉम मेजर पोर्शन ऑफ द अर्थ सर्फेस. इस तरीके से दिखती है सेडिमेंट्री रॉक, जो कि अर्थ की काफ़ी सारे सर्फेस उसने कवर किया हुआ है. ओके, कॉन्ग्लोमेरेट इज़ फाउंड मोस्टली इन शेड्स ऑफ ग्रे एंड ऑरेंज. कॉन्ग्लोमेरेट का जो कलर होता है वो बेसिकली ग्रे होता है या फिर ऑरेंज होता है. इट इज़ यूज एंड ऑर्नामेंटल रॉक एंड फॉर पॉलिशिंग ऑर्नामेंट्स. जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, गहने होते हैं, है ना, उनको पॉलिश करने के लिए या फिर उनको बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. ठीक है. सो नाउ आई कैन सी दैट यहाँ पे कुछ पिक्चर है जो हम देख सकते हैं. ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको चार पिक्चर्स दिखाई दे रही है या लिखा हुआ है सम सेडिमेंट्री रॉक्स. लेट्स सी व्हाट आर दीज. नंबर वन इज सैंडस्टोन, जिसके बारे में आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ, जो कि रेड कलर का सैंडस्टोन हमारे रेड फोर्ट में भी यूज़ हुआ है. अभी हमने पढ़ा कॉन्ग्लोमेरेट, है ना,
कॉन्ग्लोमरेट के बारे में पढ़ा कि काफ़ी सारे कलर्स में ये आता है। अब हम पढ़ने वाले हैं शेल और लाइमस्टोन, जो कि क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। नाउ लेट्स रीड दैट। ओके, आप देख सकते हो, कम टू शेल। शेल इज मेड अप ऑफ क्ले एंड मड पार्टिकल्स दैट आर पाइल्ड अप इन लेयर्स। शेल क्या है, ये क्ले से बना है और मिट्टी के पार्टिकल से बना है, जो कि लेयर्स में बनता है। ओके, बिकॉज ऑफ इट्स क्ले कॉन्टेंट, क्योंकि इसमें क्ले होती है, चिकनी इसमें क्ले होती है। इट इज़ यूज टू मेक टाइल्स एंड ब्रिक्स। इससे क्या बनाए जाते हैं, इससे टाइल्स बनाए जाते हैं और ब्रिक्स बनाए जाते हैं, ईंटें बनाई जाती हैं। ओके, लाइमस्टोन क्या है, लाइमस्टोन इज मेड अप ऑफ अ मिनरल कॉल्ड कैल्साइट। लाइमस्टोन कैल्साइट नाम के मिनरल से बना होता है, विच वॉज वंस अ पार्ट ऑफ एनिमल शेल्स, जो एक वक्त में एनिमल के शेल्स का पार्ट हुआ करता था। ओके, इट इज़ मोस्टली ग्रे और वाइट, ये ज़्यादातर ग्रे और वाइट ही रहता है लाइमस्टोन। ओके, चॉक इज वन फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन। आपने चॉक देखा है ना, आपकी जो मैम यूज़ करती होंगी स्कूल में ब्लैक बोर्ड पर लिखवाने के लिए, दैट इज़ ऑल्सो अ लाइमस्टोन, वो लाइमस्टोन से ही बना होता है। लाइमस्टोन इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स एंड ग्लास। लाइमस्टोन जो है वो ब्रिक बनाने के लिए, मतलब ईंटें बनाने के लिए, और ग्लास कांच बनाने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। एंड फॉर सेपरेटिंग प्योर आयरन मेटल फ्रॉम इट्स ओर्स, प्योर आयरन के मेटल को उसके ओर से अलग करने के लिए, मतलब उसके मिक्सचर से अलग करने के लिए भी लाइमस्टोन का यूज़ किया जाता है। साइंटिस्ट कैन फाइंड आउट अबाउट लाइफ ऑन अर्थ बाय स्टडिंग सेडिमेंट्री रॉक, बिकॉज ट्रेसेस ऑफ एंशिएंट प्लांट एंड एनिमल लाइफ कॉल्ड फॉसिल्स आर फाउंड इन देम। और सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है, साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, इसमें सर्च करते हैं, क्या करते हैं इसमें वो पुराने जो प्लांट्स या एनिमल्स जो दब जाते हैं ज़मीन के अंदर, है ना, उनको सेडिमेंट्री रॉक्स में से वो मिलते हैं। और जब आपको कोई बहुत पुराने 100 साल पुराने प्लांट या एनिमल की कोई भी बॉडी पार्ट या कुछ भी ज़मीन के अंदर से मिलता है, हम उसे फॉसिल्स कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे साइंटिस्ट को सेडिमेंट्री रॉक्स में से वो मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हो, अ स्टारफिश फॉसिल इन सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक जो है उसमें से क्या मिला इन्हें, एक स्टारफिश है उसका फॉसिल मिला। मतलब स्टारफिश ऑफकोर्स वो मर गई होगी और उसके बाद वो ज़मीन में फंस गई, मतलब ज़मीन के अंदर होगी, तो बहुत सालों के बाद उनको ये जो है दिखाई दिया, दैट इज़ वाई इसको लिखा है स्टारफिश फॉसिल। आगे बढ़ते हैं। दीज मे बी शेल्स, बोन्स ऑफ एनिमल्स, प्रिंट्स ऑफ लीव्स और फुटप्रिंट्स। ठीक है, ये क्या हो सकते हैं, शेल्स हो सकते हैं, एनिमल्स के बोन्स हो सकते हैं इनके अंदर, प्रिंट ऑफ लीव्स, पत्ती होती है ना लीव्स, वो भी गिर जाती हैं कभी कभी, है ना, या फिर किसी के फुट प्रिंट्स हो सकते हैं, तो इन सबको हम फॉसिल्स कहते हैं। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टाइप ऑफ रॉक, विच इज़ मेटामॉर्फिक रॉक। हम दो टाइप की रॉक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, विच इज़ इग्नीशियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स, उनके टाइप भी पढ़ चुके हैं। नाउ वी हैव द नेक्स्ट रॉक इज़ नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक। लेट्स रीड इट, लेट्स मार्क इट, एंड आई मेक श्योर कि आप सब इसको मार्क कर रहे होंगे। पढ़ते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक इज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग रॉक इन अ प्रोसेस कॉल्ड मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, एक रिजल्ट है किसका, जब हम एग्जिस्टिंग रॉक को, है ना, जो ऑलरेडी रॉक है उसका हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, उसको बदल देते हैं, उसके प्रोसेस से, जिसे कहते हैं मेटामॉर्फिज्म, विच मीन्स चेंज इन फॉर्म, मतलब कि हम एक रॉक को दूसरे एक रॉक में बदल देना, उसे मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। मोस्ट मेटामॉर्फिक रॉक वर वंस आइदर इग्नीशियस और सेडिमेंट्री रॉक। जितनी भी मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं वो एक वक्त में या तो इग्नीशियस रॉक थी या वो सेडिमेंट्री रॉक थी, उसको बदल दिया गया, उसका फॉर्म चेंज कर दिया गया। टन्स एंड टन्स ऑफ प्रेशर विच फेवर्स हीट एंड बिल्डअप चेंज देम टू मेटामॉर्फिक रॉक्स। काफ़ी टन्स ऑफ टन्स, मतलब कितना ज़्यादा प्रेशर लगाकर, है ना, इसको चेंज किया गया, ठीक है, और इसको मेटामॉर्फिक रॉक बनाया गया, इन रॉक्स को, इग्नीशियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक को। इन सम रॉक्स दैट मिनरल्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर वंस, व्हाइल अदर द मिनरल्स आर स्ट्रेच्ड इनटू फ्लैट पार्टिकल्स। कुछ रॉक्स में क्या होता है, मिनरल्स छोटे छोटे पार्ट्स में या तो ब्रेक हो जाते हैं, कुछ रॉक्स में ऐसा होता है कि मिनरल जो है वो एकदम फ्लैट पार्टिकल्स बन जाते हैं। दे आर मेनी काइंड ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। अब हम बहुत सारे टाइप की मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नंबर वन, एज यू कैन सी, इज स्लेट। स्लेट इज़ अ मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम शेल, शेल से बनने वाली। हमने शेल शायद हमने सेडिमेंट्री रॉक में पढ़ा था, है ना, तो शेल से बनने वाली जो रॉक है, क्योंकि शेल को भी टन्स ऑफ टन्स प्रेशर लगा के मेटामॉर्फिक रॉक बनाया गया होगा, इसलिए इसका नाम स्लेट रखा गया है यहाँ पे। तो जो है वो शेल से बना है। इट ब्रेक्स इंटू थिन लेयर्स, इसको थिन लेयर्स में ब्रेक किया गया। इट इज़ यूज टू मेक स्लेट्स एंड ब्लैक बोर्ड्स। आप देखें, आप जब आप छोटे होंगे तो आपने स्लेट्स का यूज़ किया होगा, है ना,
जो आते हैं ना स्लेट ब्लैक कलर के बच्चे उस पर लिखते हैं चौक से, है ना तो वो जो है वो किससे बनते हैं, वो स्लेट से बनते हैं, वो मेटामॉर्फिक रॉक होता है। और आपके स्कूल में जो ब्लैक बोर्ड होते हैं ना क्लासरूम में, वो भी मेटामॉर्फिक रॉक से बनाए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज नीस। नीस क्या है, इज अ देखो इसमें स्पेलिंग में जी है पर जी इज साइलेंट, हमें इसे बोलना होता है नीस। नीस इज अ मेटामॉर्फिक रॉक दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ग्रेनाइट। अब हमने ग्रेनाइट भी पढ़ा था ना, जो कि किस में था, इग्नीशियस रॉक में था। तो ग्रेनाइट जो है उससे कौन बनता है, नीस बनता है। इट हैज लाइट एंड डार्क बैंड्स, इसमें लाइट बहुत हल्के और डार्क बैंड्स होते हैं, निशान होते हैं, आप देख सकते हो। आपको स्लेट भी दिख रहा होगा नीचे पिक्चर में, नीस भी दिख रहा है। मार्बल के बारे में हम पढ़ेंगे नीचे, ओके। हमने क्वार्टसाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो दीज आर सम मेटामॉर्फिक रॉक विच हैज बीन मेड थ्रू टन्स ऑफ प्रेशर ऑन इग्नीशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। लेट्स रीड अबाउट द मार्बल। मार्बल इज अ वाइडली यूज मेटामॉर्फिक रॉक। मार्बल जो है वो बहुत ज़्यादा यूज होने वाली मेटामॉर्फिक रॉक है। लाइमस्टोन चेंजेस इनटू मार्बल। लाइमस्टोन जो है वो किसने बदल जाता है, वो मार्बल ने बदल जाता है ना। इट इज़ फाउंड इन डिफरेंट कलर्स, ये बहुत डिफरेंट कलर्स में पाया जाता है। वाइट बींग द मोस्ट कॉमन, मार्बल जो है वाइट कलर का मार्बल बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। पॉलिश मार्बल क्लीम, सो इट इज़ यूज टू मेक स्टैचूज एंड बिल्डिंग्स, ठीक है। जो पॉलिश मार्बल होता है वो बिल्डिंग्स और स्टैचू बनाने के भी काम आता है। नेक्स्ट वी हैव क्वार्टजाइट, लेट्स रीड इट। क्वार्टजाइट वॉज वंस सैंडस्टोन। क्वार्टजाइट जो था वो एक वक्त पे सैंडस्टोन था, ठीक है। सैंडस्टोन भी हमने ऊपर पढ़ा है। क्वार्टजाइट इज टू हार्ड टू बी यूज एज अ बिल्डिंग स्टोन बट इट इज यूज फॉर मेकिंग स्टैचू। क्वार्टजाइट काफ़ी ज़्यादा हार्ड रॉक है, इसलिए इससे हम बिल्डिंग तो नहीं बना सकते पर हम इससे स्टैचूज बनाते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा स्टैचूज जो बने होते हैं, है ना, तो वो हम क्वार्टजाइट से बनाते हैं, ओके। लेट्स कम टू डाउनवर्ड्स। नाउ वी हैव चेक पॉइंट। चेक पॉइंट कर लेते हैं। आप चेक पॉइंट में क्या कर सकते हैं, आप मुझे इसको कमेंट कर सकते हैं आंसर्स। आपको नंबर वन का आंसर क्या लग रहा है, नंबर टू का आंसर क्या लग रहा है, आप मुझे इसको लिख के बताइए, ठीक है। एंड आई विल टेल यू कि आपने वो सही किया है या गलत किया है। नंबर वन, द मोल्टन फ्लूइड दैट रीचेज द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। वो पिघला हुआ फ्लूइड, वो पिघला हुआ लिक्विड जो कि अर्थ के सर्फेस तक, अर्थ तक पहुँच जाता है, उसे क्या कहते हैं, लावा, पेट्रोल, मार्बल। चलिए इसका आंसर आप कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आई नो एवरी चाइल्ड ऑफ यू नोज द आंसर। चलिए इसका आंसर आप मुझे लिख के बताइए। इट्स वेरी वेरी ईजी, हमने चैप्टर में डिस्कस भी किया था। आई होप आप सबने इसका आंसर लिख दिया होगा। लेट मी टेल यू व्हाट्स द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज लावा, ठीक है। जो लावा है वो है मोल्टन फ्लूइड जो अर्थ के सर्फेस पर आ जाता है, ओके। नेक्स्ट वी हैव सैंडस्टोन, कोल, ऑब्सीडियन इज अ कॉमन सेडिमेंट्री रॉक। इन तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा कॉमन सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। कॉमन कौन है, सैंडस्टोन कॉमन है, कोल कॉमन है, ऑब्सीडियन कॉमन है। जल्दी से इसका आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जल्दी से लिखिए एंड आई नो आप सभी को इसका आंसर आता होगा। नाउ लेट मी टेल यू कि इसका सही आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है सैंडस्टोन, क्योंकि बहुत कॉमन सेडिमेंट्री रॉक है। नंबर थ्री, लाइमस्टोन इज मेड अप ऑफ अ मिनरल कॉल्ड। लाइमस्टोन किस मिनरल से बना है, कैल्साइट, जिंक, आयरन। मैंने आपको इसका अभी समझाया है थोड़ी देर पहले ही, जल्दी से इसका आंसर लिखिए। तक मैं आपको बताती हूँ कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है कैल्साइट। नंबर फोर, स्लेट, नेस, मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक मेड फ्रॉम शेल। शेल से बनने वाला ये मेटामॉर्फिक रॉक है। अब इनमें से सही आंसर क्या है वो आप मुझे बताएंगे। इसका आंसर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखिए। नंबर फोर का आंसर आपके हिसाब से क्या है। इसका आंसर है स्लेट। सो मैंने इसका आंसर टिक कर दिया है, विच इज स्लेट। नेक्स्ट वी हैव फॉसिल्स आर फाउंड इन इग्नीशियस सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक रॉक। फॉसिल जो है वो कौन सी रॉक में पाए जाते हैं इन तीनों में से। लेट मी टेल यू द आंसर इज सेडिमेंट्री रॉक्स। फॉसिल जो होते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव मिनरल्स। जैसे आपको पता चैप्टर का नाम है रॉक्स एंड मिनरल्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिनरल्स। एज वी नो रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। हमको पता है कि रॉक्स जो है वो मिनरल्स से बने होते हैं। सम मिनरल्स फाउंड इन रॉक्स आर मेटलिक एंड सम आर नॉन मेटलिक। जो रॉक्स में मिनरल पाए जाते हैं वो कुछ मेटलिक होते हैं, कुछ नॉन मेटलिक होते हैं। आइए पढ़ते हैं कि मेटलिक मिनरल्स कौन से होते हैं और नॉन मेटलिक मिनरल्स कौन से होते हैं। सम यूजफुल मेटल्स कैन बी प्रॉफिटेबली ऑब्टेन फ्रॉम मेटलिक मिनरल्स कॉल्ड ओर सच एज हेमेटाइट, बॉक्साइट, पायराइट एंड कैलामाइन। कुछ यूजफुल जो मेटल्स हैं वो मेटलिक मिनरल्स से पाए जाते हैं, जिनके नाम हमने अभी पढ़े, ठीक है। जैसे कि ये सारे के नाम है ना,
ये आपको मेटलिक मिनरल्स हैं जो पाए जाते हैं. वी गेट आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड जिंक रिस्पेक्टिवली. हमें इनसे ये सारे के सारे जो हैं मेटल्स मिलते हैं. ठीक है, इन सब में से जो है ये सारे सारे मिनरल्स मिलते हैं. दीज मेटल्स आर कॉमनली यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, मशीन्स, फर्नीचर, वायर्स, कॉइन्स, कोचेज ऑफ ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स. ये सब बनाने के लिए ये मेटलिक मिनरल जो हैं काम आते हैं. प्रीशियस मेटल्स, प्रीशियस मेटल में जैसे कौन कौन, जैसे गोल्ड है और सिल्वर है, प्लैटिनम है, ये सब ज्वेलरी बनाने के लिए भी ये मेटलिक मिनरल्स जो हैं काम आते हैं. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट नॉन मेटलिक मिनरल्स. फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर वैल्यूएबल अंडरग्राउंड रिसोर्सेज. फॉसिल फ्यूल कौन कौन से, जैसे कि हमारे कोल हैं, पेट्रोलियम है ना, जो कि हमारे अंडरग्राउंड सोर्सेज हमें ज़मीन के नीचे से मिलते हैं. ठीक है, दे कॉन्ट्रीब्यूट ग्रेटली टू आर टोटल एनर्जी सप्लाई. जितनी भी हमारे यहाँ पे बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उसमें इनका बहुत ज़्यादा योगदान होता है. ठीक है, कोल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि कोल क्या होता है, हमने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा है, बट स्टिल हमें चैप्टर में हमें पढ़ना है. कोल इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल मिनरल स्टोर इन द अर्थ. अर्थ में सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल मिनरल है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मिनरल है वो है आपका कोल. ठीक है, इट हैज़ बीन यूज एज अ फ्यूल फॉर हंड्रेड ऑफ ईयर्स. और हंड्रेड ऑफ ईयर्स तक इसको फ्यूल की तरह यूज़ किया गया है और अभी भी हम इसको यूज़ करते हैं. ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो लैंड वॉज लो लाइंग. मतलब मिलियंस ऑफ साल पहले क्या था, लैंड जो था वो लो लाइंग था, बहुत नीचे था, एंड कवर विद थिक स्वैम्पी फॉरेस्ट. और ये बहुत सारे फॉरेस्ट से ढका हुआ था. एज प्लांट्स डाइड, जैसे जैसे प्लांट्स मरते गए, दे फेल इनटू द स्वैम्प एंड बिगिन टू डिके. वो इस फॉरेस्ट में गिरते गए और वो डिके होते गए, ख़राब होते गए. न्यू वेजिटेशन प्रेस द डेड प्लांट्स टू द बॉटम. और जो नए प्लांट्स उगने लगे, उन्होंने जो मरे हुए प्लांट्स थे उनको बॉटम में भेजते गए वो. ड्यू टू एक्सट्रीम प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से द वेजिटेबल मैटर चेंज इनटू कोल. और जो सड़े गले वो थे, प्लांट्स थे जो ज़मीन के अंदर चले गए थे, वो किसने बदल गए, वो कोल ने बदल गए. दिस इज़ द होल प्रोसेस हाउ वी गेट द कोल. सो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट्स वाई आई हैव मार्क्ड इट ऑल. इन इंडिया कोल माइंस आर सिचुएटेड इन. इंडिया में कोल माइंस कहाँ कहाँ हैं, लेट्स मार्क इट ऑल. इंडिया में कोल्स माइन है सिंगरौली में, जो कि है मध्य प्रदेश में, टैलकर में जो कि है उड़ीसा में, रानीगंज में जो कि है वेस्ट बंगाल में, नेवली में जो कि है तमिलनाडु में, एंड सिंगरानी में जो कि है तेलंगाना में. तो ये वो सारी जगह हैं जहाँ पे आपको कोल मिलता है, कोल की माइंस हैं, खाने हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कोल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल. अब कोल को हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं किस किस चीज़ों के लिए, लेट्स रीड दैट. कोल को हम यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग. ठीक है, फॉर हीटिंग होम्स एंड बिल्डिंग्स, फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इन पावर प्लांट्स, है ना. हम इसे खाना बनाने के लिए घर में या बिल्डिंग्स में हीट थोड़ा सा गर्मी करने के लिए, जब हम ठंड लगती है तो हम हाथ सेकने के लिए कोला चलाते हैं ना, उस तरीके से. इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स मतलब बिजली बनाने के लिए भी कोल का यूज़ किया जाता है. इन ब्लास्ट फर्नेसेस इन द स्टील इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री में भी कोल का यूज़ किया जाता है. हाफ द एनर्जी यूज इन द वर्ल्ड टुडे कम्स फ्रॉम पेट्रोलियम. अब आज क्या होता है, वर्ल्ड में जो आधी एनर्जी है जो वो हमें किससे मिलती है, वो हमें मिलती है पेट्रोलियम से. ओके, पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल भी कहते हैं. हैज़ सेवरल नेम्स, लाइक इसके बहुत सारे नाम होते हैं पेट्रोलियम के, अभी हम आगे पढ़ते हैं. लाइक रॉक, आप ही देख सकते हो यहाँ पे कुछ पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है. जैसे आपको नायलॉन की शर्ट दिख जाएगी, टी शर्ट, नेल पॉलिश, शू पॉलिश, प्लास्टिक आर्टिकल्स, फर्टिलाइज़र, मेडिसिन, पेंट, कैंडल्स, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ये सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. को हम रॉक ऑयल बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, लिक्विड सनलाइट बोलते हैं. पेट्रोलियम के बहुत सारे अलग अलग नाम हैं. ओके, दिस इज़ फ्रॉम द डेड रिमेन ऑफ एंशियंट लैंड एंड सी क्रिएचर्स. जब ज़मीन में या सी में कोई एनिमल मर जाता है और वो ज़मीन के अंदर दबता चला जाता है ना, और उसके बहुत टाइम तक दबे रहने से, सड़े गले एनिमल के दबे रहने से क्या होता है, मिलियंस ऑफ मिलियंस अगो ईयर्स अगो द डेड रिमेन ऑफ दिस लिविंग थिंग्स गॉट बरीड इन लेयर्स एंड ग्रेजुअली चेंज इनटू ऑयल एंड गैस. कि ज़मीन में धंसे रहते हैं और क्या होता है, धीरे 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 प्रेशर लगाते लगाते क्या होता है, ये ऑयल में और गैस में बदल जाते हैं. ठीक है, तब जाके आपका पेट्रोलियम बनता है. ओके, सो मेक श्योर कि आपको ये सब याद रहे और आप इसको मार्क करते जाएं. इंडिया में पेट्रोलियम कहाँ कहाँ से आता है वो हम इसमें पढ़ेंगे. ओके, इंडियन इंडिया पेट्रोलियम इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अंकलेश्वर,
गुजरात में अंकलेश्वर से हमें पेट्रोलियम मिलता है, असम में दिगबोई से हमें मिलता है, ठीक है, एंड मुंबई हाई ऑफ द मुंबई कोस्ट, मुंबई में मोस्टली मेन जगह से हमें पेट्रोलियम मिलता है। द मेन यूज़ ऑफ पेट्रोलियम इज़ एज फ्यूल इन डिफरेंट फॉर्म्स, इसका मेन यूज़ है कि हम इसे फ्यूल की तरह, ऑयल की तरह बहुत तरीके से यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर, इसका क्या क्या यूज़ है इसे मार्क कर लेते हैं। ये हमें ड्राई क्लीनिंग के लिए काम आता है ना, हम ये हमें मेकिंग ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल बनाने के लिए काम आता है, प्रिंटिंग इंक बनाने के लिए काम आता है, मेडिसिन बनाने के लिए काम आता है, पैराफिन वैक्स ऑब्टेन फ्रॉम इट्स यूज टू मेक कैंडल्स, जो इससे वैक्स निकलती है पैराफिन वैक्स, उससे हम कैंडल्स बनाते हैं, वाटर प्रूफ कार्टन्स बनाते हैं, पॉलिश बनाते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें पेट्रोलियम से बनती। नाउ वी हैव द लास्ट टॉपिक विच इज़ कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें ये लिखा हुआ है कि हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए। द अर्थ हैज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीबडीज ग्रीड, यहाँ पे लिखा है कि अर्थ के पास सबकी नीड, सबकी ज़रूरतें पूरे करने के लिए बहुत कुछ है, पर सबकी ग्रीड, लालच को पूरा करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, सेड महात्मा गांधी। ऐसा महात्मा गांधी ने कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वी मस्ट कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी चीज़ें हमें नेचुरली मिल रही, चाहे वो कोल है, पेट्रोलियम है, चाहे वो हमें कुछ भी मिल रहा हो, हमें उसे कंजर्व करना चाहिए, हमें उसे देख कर यूज़ करना चाहिए, उसका वेस्ट नहीं करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है टू सेव फ्यूल एट होम, वी मस्ट कीप आवर स्टोव्स एंड मशीन्स इन गुड कंडीशन। अगर हम फ्यूल को अपने घर में यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम LPG गैस यूज़ करते हैं, सिलेंडर आता है ना आप सबके घर में, वैसे हम यूज़ करते हैं, है ना, तो हमें देखना चाहिए कि हमारा स्टोव और जो मशीन है वो सही कंडीशन में हो। अगर आपके स्टोव्स या मशीन सही कंडीशन में नहीं होगी जिसमें आप वो यूज़ कर रहे हैं फ्यूल को, तो क्या होगा, उससे जो है पल्यूशन होगा, पल्यूशन होगा तो वो पेट्रोलियम पूरा का पूरा वेस्ट जा रहा है ना। सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ आर मशीन्स जिसमें हम उसे यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव, वी शुड यूज़ कोल एंड ऑयल वेरी केयरफुली एंड वाइजली, हमें कोल और ऑयल को बहुत ही केयरफुली और बहुत ही वाइजली यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो हमने बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। वी शुड ऑल्सो यूज़ इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इनएग्जॉस्टिबल का मतलब है जो ख़त्म होने वाले नहीं है, वो एनर्जी के सोर्सेज जो ख़त्म होने वाले नहीं है, जैसे कि सन है, विंड है, वाटर है, हमें इनका यूज़ करना चाहिए। मिनरल डिपॉजिट्स इन द अर्थ आर लिमिटेड, जो अर्थ के अंदर मिनरल्स जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सब लिमिटेड है, दे शुड नॉट बी यूज केयरलेसली और वेस्टेड वाइल माइनिंग, इन्हें माइनिंग करते वक्त, मतलब इन्हें खानों में से निकालते वक्त हमें इन्हें केयरलेसली एकदम ऐसे ही यूज़ नहीं करना चाहिए, इनका वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो दिस इज़ द मेन पॉइंट आई थिंक वी ऑल शुड रिमाइंड, एंड नेक्स्ट हमें वर्ड सुनो आ गया, इसका मतलब चैप्टर इज ओवर। एंड आई थिंक आप सबको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, आपकी नॉलेज बढ़ी होगी इस चैप्टर से, बिकॉज बेसिकली दिस चैप्टर इज़ वेरी वास्ट और इसमें सीखने को बहुत कुछ था, बहुत कुछ कॉमन चीज़ें भी थी जो आपको ऑलरेडी पता होंगी। सो अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो, सो डू लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आपके पास कोई इससे रिलेटेड कोई बात हो कि आपको इसमें ये कोई टॉपिक समझ में नहीं आया या कोई वर्ड समझ में नहीं आया, किसी चीज़ का मतलब नहीं पता, आप मुझे वो कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके पास कोई चैप्टर है जो कि आप चाहते हैं कि मैं उसको आपको समझाऊँ, जिस तरह से मैंने ये एक मेरे सब्सक्राइबर ने कहा था, दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो टुडे, आप मुझे वो चैप्टर लिख के भेज सकते हैं, उसका नाम, उसका सब्जेक्ट और अपनी क्लास लिख के भेज सकते हैं, चैप्टर पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। एंड आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे DM कर सकते हैं, आपको लिंक स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप मुझे DM कीजिए, आप मुझे चैप्टर की फ़ोटो क्लिक करके एकदम क्लियर भेजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी, जैसे मैंने इस पर वीडियो बनाई है सेम वही तरीके से मैं उन पर वीडियो बनाऊँगी। अगर आप इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते तो नो प्रॉब्लम, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मेरा ईमेल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्क्रीन के अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में भी दोनों के लिंक मिल जाएंगे, आप मुझे फ़ोटो क्लिक करके उसे ईमेल कर सकते हैं, आप अपने किसी घर में कोई बड़ा होगा उनसे बोल सकते हैं कि वो मुझे ईमेल कर दे और मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, यू जस्ट नीड टू सेंड इट टू मी और यू कैन कॉमेंट मी डाउन, है ना, ये दो काम आप मुझे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास, आपको लगता है कि कोई कज़न है, सिबलिंग है, रिलेटिव है, कोई सिस्टर है, आपका छोटा भाई बहन है जो क्लास 5th में पढ़ता हो और जिसकी ये स्कूल में चैप्टर आ रहा हो या उसके काम आए ये वीडियो, सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, तो ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं, आप मेरे पेज पर जाके चेकआउट कर सकते हैं।
और वहाँ मेरे पेज पे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा जिसपे लिखा होगा सब्सक्राइब। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप जाइए उस बटन पे क्लिक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।